हेलो भाई, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इसकी 45 डिग्री एंगल, स्पान 10 मीटर है और बैरल लेंथ इसकी 8.4 मीटर है। ये कुछ इस टाइप का, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दो रिटर्न वाल इस तरफ की और इस तरफ की, ये LHS है, ये RHS है। तो ये कुछ इस टाइप का जो है ना, यहाँ पे सेक्शन नज़र आएगा बनते हुए आपको। ये जो दिख रहा है उस तरफ का A2 साइड का सेक्शन है, A2 साइड का सेक्शन इस टाइप का बनता हुआ नज़र आएगा यहाँ पे। ये तो मैंने राफ्ट का प्लान बनाया हुआ है, आपको राफ्ट का प्लान दिखेगा इधर, और ऐसे ही सेम इधर हम बात करें इधर, तो ये इस तरफ जो है ना, ये कुछ इस तरफ ऐसा प्लान रहेगा। ये कुछ इस टाइप का प्लान रहेगा, ये ऐसा दिखेगा इधर, यहाँ पे ये A2 का प्लान है। A2 कुछ इस टाइप से दिखेगा यहाँ पे, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ पे एक रिटर्न वाल इस तरफ है, एक रिटर्न वाल इस तरफ है, तो ये कुछ इस तरफ से जैसे ये दिख रही है यहाँ पे, कुछ इस टाइप से हमको बनाना रहेगा। ठीक है, ये प्लान आपको समझ में आ रहा हो। सेंटर ऑफ नाला जहाँ पर हम खड़े हुए हैं अभी, इस जगह पे हम खड़े हुए हैं, ये सेंटर ऑफ नाला हो गया है, और ये कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक, ये आपका हो गया A2 साइड का पोर्शन। ऐसे ही हम बात करें, इस तरफ मूव करते हैं, तो ये रहा आपका A1 साइड का सेक्शन, कुछ इस टाइप से बनेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ, ये इस तरफ एक्सिबिशन हुआ रखा है, तो ये A1 साइड का सेक्शन जो है ना, कुछ इस टाइप से प्लान बनेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये सेंटर ऑफ नाले से हमने निकाला, आपको बताया इसकी 45 डिग्री एंगल से। अब मैं आपको आगे से दिखा देता हूँ कैसा देखिएगा ये। जैसे कि आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, तो ये कुछ इस टाइप से बनाना है, नज़र आ रहा होगा। A1 साइड और दूसरा A2 साइड, जो LHS का पोर्शन है उस तरफ और RHS का इस तरफ, दोनों साइड इसमें मेंशन की हुई है। सेंटर ऑफ नाला भी आप देख सकते हैं। ये जो प्लान है वो राफ्ट का प्लान है, आपको जब ये शटरिंग लग जाएगी तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि किस तरह से बनाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। ये इसमें मैंने बैरल लेंथ शो की हुई है, आपको यहाँ पे क्लियर मेंशन रहेगा कि बैरल लेंथ यहाँ पे जो है ना, ये 8.4 नज़र आ रहा होगा। स्क्यू में नहीं, जो सीधा सीधा होता है उसको बैरल लेंथ बोला जाता है। स्क्यू में उसकी लेंथ बढ़ जाती है। ये जो एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है वो 8.4 मीटर की बैरल लेंथ में है, और अगर हम किसी बात करें स्क्यू में, तो स्क्यू में 11.88 यानी 45 डिग्री एंगल पे जो है ना, ये स्क्यू माइनर ब्रिज हम बनाएंगे। तो इसके बारे में आपको डिटेल देने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि ये इसका प्लान भी मैंने आपको बना के बताया हुआ है। पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है ना, स्क्यू को फाइंड आउट कैसे किया जाता है। मैंने एक्चुअली में समझाने की जो मेरा मैक्सिमम है वो आपको कोशिश करूंगा कि आपको ये स्क्यू समझ में आ जाए, ताकि आप भी जो है ना, अच्छे से स्क्यू कलवर्ट या स्क्यू माइनर ब्रिज बना सकें। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली में हम जो है ना, दो चीज़ों का उपयोग करते हैं। आपको पता ही होगा कि पाइथागोरस प्रमेय जो है ना, यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हमने ये जो है ना, यहाँ पर ये कुछ डायमेंशन दिख रही होंगी आपको वीडियो में, ये निकाली गई हैं। ये कैसे निकाली गई हैं वो आपको जो है ना, ये कैलकुलेशन से समझ में आ जाएंगी। ये एक फ़र्स्ट कैलकुलेशन है, और सेकंड कैलकुलेशन और की हुई है मैंने, वो भी मैं आपको एक्चुअली में बताऊंगा।